हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दोबारा हैं मेरी टेरेस पे, मेरे छोटे से टेरेस गार्डन पे। और आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि किस तरह से कुछ प्लांट्स में चेंजेस किया गया है। मैंने पहले अमरूद के पौधे को बड़े गमले में लगाया, फिर आड़ू का पेड़ लगाया, और आज मैं लगा रहा हूँ अनार और उसके साथ में कुछ बेहतरीन फूलों के पौधे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है दोस्तों। जैसा हम सभी को पता भी है, हम जानते भी हैं, हम प्यार भी करते हैं पक्षियों से। इनफैक्ट जब मैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी गया था तो वहाँ पर इतने सुंदर बर्ड्स को देख के अपने आप में एक मन उमंगे भरने लगता है, लेकिन इतना प्रसन्न हो जाता है। इनफैक्ट हम सभी को जैसे चिड़ियाघर जाएं या कहीं पर भी जाएं, जब पक्षी हमारे सामने होते हैं उनकी एनर्जीज को देख के, उनका उड़ना, उनका हर चीज़, उनकी आवाज़, उनकी चहचहाहट कितनी सुंदर दिखती है, ऐसा लगता है कि उन पक्षियों को बस देखते रहें और हमारे भी पंख हों, हम भी उड़ें। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपकी छत पर ही बहुत सारे पक्षी आना शुरू कर दें, और ये सच है दोस्तों, क्योंकि जब मैंने अपना ये टेरेस गार्डन बनाया उससे पहले जैसे छत पे कुछ भी पौधे नहीं होते थे, तो सिर्फ कबूतर एक ऐसे पक्षी है जिसको पौधों की ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो ओरिजिन हुआ है वो रॉक्स में से हुआ है। वो रॉक में रहते थे, चट्टानों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, उसके बाद वो शहरों में आए। शहरों में भी वो कंक्रीट में आराम से रह लेते हैं, घरों की मुनेरों पर रह लेते हैं, बालकनीज में रह सकते हैं, तो उनको प्लांट्स की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके छत के ऊपर छोटी चिड़िया जैसे सनबर्ड्स, कॉमन स्पैरो, बुलबुल, पपीहा या फिर मैना या कोयल, ऐसे पक्षी भी आएँ और आपकी छत पे ही आपको उनके नज़ारे हो जाएं, तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसके लिए आप ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो फूल दें, जिसके अंदर बहुत सुंदर फूल खिलें। सुंदर ना हो तो भी अगर, क्योंकि उसका जो रस है, उसके जो कीट पतंगे हैं वहाँ पर आते हैं। जो मैंने सीखा यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में वो ये था कि अगर आप वहाँ पे फलों के पौधे लगा सकें या फलों के पेड़ आप लगा सकें, तो पक्षी वहाँ पर अपने आप आ जाते हैं। इनफैक्ट यमुना बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वो एक बैरन लैंड हुआ करता था, और वहाँ पर कोई पेड़ पौधे उगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो वहाँ की सोयल की एल्कैलिनिटी थी, सॉल्ट का लेवल था, वो बहुत ही ज़्यादा था। तो उसके लिए बहुत मेहनत करी गई है। तो अगर हम भी अपनी छतों के ऊपर कुछ ऐसे प्लांट्स का मिक्स करें जिसमें फूल भी लगें, फल भी लगें, और हर तरह की उसमें से ग्रीनरी वेजिटेशन हो, तो अपने आप मुझे कॉमन स्पैरोज हैं, सनबर्ड्स हैं, बुलबुल, कोयल, इस तरह के बर्ड्स अपने आप आना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे पक्षी मेरे छत के ऊपर रोज आते हैं जिनके नाम भी मैं नहीं जानता। सो आज यही मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसे पौधों को लगाया जाए। तो आज मैं एक लाया हूँ अपने साथ, चीकू का पौधा, एक अनार और कुछ फूल। मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है हमारा अनार का पौधा, इसके अंदर देखिए अपनी कलियां खिली हुई हैं, और ये है चीकू। चीकू बहुत आराम से लग जाता है, इसको बहुत भरपूर सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पर चीकू के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जिनके अंदर चीकू लगे हुए हैं। ये एक फूलों का पौधा है, ये बेल है जो पूरा हर चढ़ जाती है और बहुत सुंदर फूल देती है गर्मियों में और बरसात के सीज़न में। पेरिनियल है ये, सीजनल नहीं है। और ये एक और राखी रानी। तो आज हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, ये 5 प्लांट्स, और इसके साथ ही ये है हमारे पास कोकोपीट। तो ये कोकोपीट का ब्लॉक आता है जिसके अंदर पानी डाल दीजिए, उसके बाद ऐसे सॉफ्ट हो जाती है। ये है वर्मी कंपोस्ट का पैकेट जिसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं, और ये मिट्टी है जिसमें हमने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट सब मिलाया हुआ है, और इसके अंदर और आप वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट मिला सकते हैं। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गमले में लगाने के लिए आपको स्टोन की ज़रूरत होती है,
आप इन कमरों के अंदर जो छेद होते हैं उन्हें भरना बहुत ज़रूरी है। तो अब कंकड़ आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से चुनने लेंगे, तो इसके लिए भी ऑप्शन इजीली अवेलेबल है। ये कलर्ड स्टोन्स आते हैं जिसका 40 रुपीज़ का पैक है, आप एक बार खरीद कर रख सकते हैं और आपको फिर बार बार चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इन गमलों के अंदर आपको कौन से कहाँ से पत्थर डालने हैं। तो ये भी ईजी ऑप्शन है आप इसकी फिलिंग करने। दोस्तों हमने लगा दिया है चीकू का पेड़ और अब हम लगाने वाले हैं अनार। अनार बहुत सुंदर, इसका फूल भी आता है और फल तो आपको पता ही है कि अनार कितना अच्छा आ रहा है। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो अनार का पेड़ है ये मैं सबसे पहले पक्षियों के लिए लगा रहा हूँ। ये देखिए कोयल रानी कितनी एक्साइटेड हो गई है ये बात सुनकर, मेरे पीछे इतनी आवाज़ आ रही है इतनी सुंदर कोयल की, शायद उसको भी पता लग गया है कि मैं यहाँ पे अनार का एक पेड़ लगाने वाला हूँ। तो मेरी छत पे अभी 2 अमरूद के पेड़ हो चुके हैं, एक चीकू और ये है एक अनार। इसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग तरह की वेजिटेशन हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स लगी हुई हैं जैसे बैंगन है, ककड़ी है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सभी मैंने छत पे लगाया है तो बहुत आराम से लग देगी। इनफैक्ट भिंडी को आप आराम से लगा सकते हैं, भिंडी का जो फूल भी होता है वो इतना सुंदर आता है, वो इतना सुंदर आता है बिल्कुल येलो कलर का आपको लगेगा वाह क्या फूल है इसका। तो ये सब चीज़ें लगानी बहुत आसान है। फ्रेंड्स हमारे पास लग गया है ये अनार का पेड़, पता नहीं जितनी बार भी मैं अनार बोल रहा हूँ ना ये कोयल पीछे से बोलने लग जाती है, बहुत तेज उसकी आवाज आने लग जाती है, लगता कोयल को अनार पसंद है या इसकी खुशबू से मिल गई है या शायद चीकू के बारे में पता लग गया कि उसके पड़ोस में एक चीकू का पेड़ भी लग गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार ये देखने के लिए कि जब वो पक्षी आएंगे और जो डेली भी आते हैं और उनको लगे अरे आज तो अनार लगा हुआ है, आज तो चीकू लगा हुआ है। दोस्तों अब हम लगाने जा रहे हैं चीकू का पेड़। जैसे मैंने आपको बताया था कि चीकू दिल्ली के सीज़न के लिए बहुत अप्रोप्रिएट फ्रूट ट्री है, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर ये बहुत सारे लगाए गए हैं। और मैं इसे क्यों लगा रहा हूँ, चीकू तो हमें पसंद है ही, दूसरा ये मैं लगा रहा हूँ पक्षियों के लिए, क्योंकि अगर आपके पास फलों के पेड़ पौधे हैं तो जो बहुत सुंदर चिड़ियाएँ हैं बर्ड्स हैं वो अपने आप आपकी छत पे आना शुरू कर देती हैं। ये मैंने अभी से एक्सपीरियंस भी किया है क्योंकि मेरी छत के ऊपर बहुत सारे सनबर्ड, कोयल और ऐसे बहुत सारे पक्षी डेली आते हैं जिनका शायद मैं नाम भी नहीं जानता। तो मुझे लगा कि यार ये इतने सुंदर पक्षी जब मेरी छत पे आते हैं तो पानी तो मैं रख सकता हूँ तो पर इनके खाने के लिए क्या है, हाँ फूल हैं, फूलों को वो बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उसका एक न्यू एक्सटेंशन हो सकता है कि अगर मैं उनके लिए ऐसे प्लांट्स लगाऊँ जो जिनके अंदर फ्रूट्स भी लगते हों। तो मैंने
अमरूद लगाया हुआ है, अमरूद का एक बहुत बड़ा पेड़ मेरे नीचे है और एक दूसरी वैरायटी का अमरूद यहाँ पर ये लगाया है मैंने, और इसके साथ अब ये हो गया है एक चीकू का पेड़, और इसके बाद मैं लगाने वाला हूँ अनार। तो एक छत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक पक्षियों को मिल जाएंगी, जिसमें फूल होंगे, फल होंगे, और बहुत सारी ग्रीन वेजिटेशन है जहाँ पे वो आराम से आकर बैठ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों कि कबूतर को ट्रीज या प्लांट्स उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो चिड़ियों का होती है। उनको शर्ब चाहिए, हर्ब चाहिए, ट्रीज चाहिए। जैसे अब हरियल तोता जो होता है एक तरह का पक्षी है जो जिसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कबूतर की तरह होता है, लेकिन जो उसका पूरा कलर है वो आपको लगेगा तोता है। समझिए एक कबूतर है जो बिल्कुल हरे रंग का है। हरियल तोता महाराष्ट्र में बहुत पाया जाता है। अगर आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी जाएँ तो वहाँ पर भी आपको हरियल तोते बहुत मिलते हैं, और वो मेरे घर के पास भी मिलते हैं। जबकि दिल्ली में हरियल तोता बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वो सारी ग्रीन वेजिटेशंस हैं तो इस तरह के बर्ड्स भी आना वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। ये देखिए मेरे पीछे आपने अभी सुनिया होगा कोयल अपनी बहुत मीठी आवाज़ में बोली लगा रही है। इसके अंदर देखिए कितनी सारी कलियां चीकू की लगी हुई हैं। तो ये सीजन है ऊपर। अभी हम लोग क्योंकि हमने पुराने कमरे में लगाया है तो इसके ऊपर अभी हम वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट और डाल देंगे, और फिर अपनी जड़ बहुत जल्दी पकड़ लेगा और बहुत जल्दी यहाँ पर बड़ा चीकू का पेड़ नज़र आएगा जो हमें चीकू दे रहा हूँ, और बहुत सारे बर्ड्स हम इस पर बैठे हुए देखते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।